महोदय कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति का तत्काल रिजाइन लिया जाए और विजय सिंह कौरी बिठाए जाए। इतना भ्रष्टाचार आज तक लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति के जिला को जो है शर्मसार इस व्यक्ति ने किया है। हमें खेद दुख होता है कि आज तक लाहौल स्पीति हमारा ऐसा जिला रहा है जहां आज तक कभी पैसे की उगाही नहीं हुई, कभी कभी किसी पॉलिटिशियन पर स्ट्रक्चर जो तरह से उंगली नहीं उठा है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने सिर लूटना शुरू कर दिया है, दुख होता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इसका बिजनेस इंक्वायरी हो और रवि ठाकुर का तुरंत रिजर्वेशन लिया जाए, वरना लाहौल स्पीति के कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमारी पार्टी जो है सड़कों में उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदरणीय सुखमिंदर सुक्खू जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को के विरोध में काम करते हैं, अब मैं देखता हूं कितना वो काम करते हैं, किस तरह का रिजाइन करते हैं। मैं आज से लाहौल स्पीति की बात करना चाहूंगा, मेरे पास बहुत प्रमाण है, मैं अगले वक्त मिलूंगा आपसे, किस किस कैसे कि कहां किस किस अकाउंट के नाम पे पैसे, कहां पर अकाउंट नंबर, मेरे पास अकाउंट नंबर भी है। रवि ठाकुर के पास जो पैसे दिए गए हैं अकाउंट में नंबर में बस ही है, किस अकाउंट में पैसे दिए, मैं अकाउंट नंबर अगले बार दूंगा आपको। मैं इंतजार कर रहा हूं आदरणीय सुखमिंदर सुक्खू जी कब तक इस पर एक्शन लेते हैं, नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है विधानसभा का घेराव करने में लाहौल स्पीति से हम लोग पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर हम ये भ्रष्टाचार से मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार के नाम पर ही राजनीति में आया है, इसका इतिहास रहा है। पहली बार भी विधायक बना, पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय वीरभद्र सिंह के विरोध में लिखता रहा है, बोलता रहा है, अब सरकार बदला दो बदला है द्वारा, सुखेंद्र सुक्खू जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया कि ये बच्चा है, इसके च्यूइंग करते बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये नए पहली बार मुख्यमंत्री बना है जो काम करने पर अधिकारियों के विरोध बोलता रहा है। मैं इतना आज कहना चाहूंगा, मेरा आज मुद्दा भ्रष्टाचार का है कि ये इस व्यक्ति का रिजाइन करा जाए। ये सभी कागजात आपको दे रहा हूँ, आप सबका धन्यवाद। कुछ पूछना चाहिए बताइए। डॉक्टर साहब, ये जो आरोप लगाए आपने, तो इसका कितना आंकड़ा है?